राजस्थान 12 छिपा बड़ौद कस्बे के चौथ माता मंदिर से भाजपा की नामांकन रैली निकाली गई, जिसमें भाजपा के पदाधिकारी और हजारों कार्यकर्ताओं ने दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों से ऐतिहासिक रैली निकाली। रैली छिपा बड़ौद से 9 बजे छबड़ा के लिए रवाना हुई और छबड़ा गायत्री मंदिर स्टेशन रोड पर दोनों तहसील क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने मिलकर भाजपा के प्रत्याशी प्रताप सिंह सिंघवी के समर्थन में रैली निकाली, जिससे पहले विधायक प्रत्याशी ने गायत्री मंदिर में पूजा अर्चना की और बाद में लवाजमे के साथ डीजे बाजे की धुन पर कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती उप निर्वाचन केंद्र पहुंचे। देखिए मेरे साथ डीबी भारती न्यूज। आज विधानसभा चुनाव को लेकर के छपरा उप निर्वाचन क्षेत्र पे जो मुख्यालय है यहाँ पे निर्वाचन का आज आखिरी दिन है और यहाँ पे आज कई बड़ी पार्टियों के और जो निर्दलीय प्रत्याशी है आज उनको अपने अपने यहाँ पे नामांकन को लेकर पहुँच रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से जो है वो दोनों पार्टियाँ अपना दमखम दिखाने के लिए यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। और इसी बीच जो देख रहे हो आप कि किस तरीके से यहाँ पे गाड़ियों में जो धक्के लगाए जा रहे हैं, बीच रास्ते में जो गाड़ियाँ बंद हो चुकी है उनके कारण यहाँ पे कई तरीके के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस ओर यहाँ का जो प्रशासन है उसका कोई ध्यान नहीं है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ लगाई गई है उन गाड़ियों में यहाँ पे छिपा बड़ौद से पूर्व विधायक प्रताप सिंह सिंघवी और किसान नेता नरेश मीणा के समर्थक ही यहाँ से अपने अपने वाहनों के साथ अपने काफिले के साथ में अपने मुख्य मार्ग पर पहुँच रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।